हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस वेडनेसडे मॉर्निंग प्रेयर में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आज के इस पिता परमेश्वर वेडनेसडे मॉर्निंग प्रेयर में आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सच में जब लोग मेरे पिता परमेश्वर सफलता प्राप्त करते हैं, जब लोग मेरे पिता परमेश्वर सफलता प्राप्त करने के बाद जो उनकी पिछली परिस्थिति है वो भूल जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हमें नहीं भूलना है कि जब हम प्रभु जी गुनाहों के चाल में थे, जब हम पिता परमेश्वर बहुत बुरी परिस्थितियों में थे, तब उन परिस्थितियों को भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जिंदगी में जब सफलता आती है तब भी हमें स्थिर रहना है मेरे पिता परमेश्वर। सफलता की ऊंचाइयों को देखकर हमें पिछली बातों को, जो नीचे वाली बातें थे, उन्हें भूलना नहीं है। यानी पिता परमेश्वर हम पहले कैसे थे और ये चेंजेस हमारी जिंदगी में कैसे आया है, हम पवित्र कैसे हुए हैं, हमारे जिंदगी के अंदर प्यार भरा बर्ताव कहाँ से इम्प्लांट हुआ है, इस बात को मेरे पिता परमेश्वर ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु जी, आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को चिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, पाक किया, जो प्रभु जी मुसीबत में थे, जो तकलीफों में थे, उन्हें पिता परमेश्वर उस मुसीबत से, तकलीफ से आपने छुड़ाया। सच में मेरे पिता परमेश्वर, आप पर जो भरोसा रखते हैं, जो आप पर विश्वास रखते हैं, उन्हें अद्भुत तरीके से प्रार्थना करने के लिए आप सहायता करना, उन्हें पिता परमेश्वर अद्भुत तरीके से आराधना में बढ़ने के लिए आप सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के नाम से बंधन टूट जाए, आजादी रिलीज होने पाए, छुटकारा रिलीज होने पाए, शांति को हम अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं। और पिता परमेश्वर, आज के इस पिता परमेश्वर सुबह की प्रार्थना में भी आपने हमें सहायता की है। सच में ये तो आपका अनुग्रह है मेरे पिता परमेश्वर, ये तो आपकी दया है, इस वजह से मेरे पिता परमेश्वर हम सुरक्षित है। आपके सामर्थ्य और मीठे नाम से हम मांगते हैं। आकाश के ऊपर और पृथ्वी के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है आपके नाम के सिवा मेरे पिता परमेश्वर। जो आप पर भरोसा रखते हैं, वो अगर मेरे पिता परमेश्वर पापों से मन फिराएंगे तो वो पिता परमेश्वर सच में उनके पाप धुल जाएंगे, ऐसा आपके वचन में लिखा है। और मेरे पिता परमेश्वर, इस समय जो आपका बेटा बेटी जिस भी निराशा में है, जिस भी तकलीफ में है, उस निराशा से आप इन्हें छुटकारा दीजिए। और पिता परमेश्वर, आगे बढ़ने के लिए, अद्भुत तरीके से प्रार्थना करने के लिए इन सभी को सहायता करना पिता, ऐसे भी मैं आपके चरणों के पास विनती करता हूँ। यीशु मसीह, आपके प्यारे नाम से मांगते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु जी। ये भाई बहन इसी तरह से आगे बढ़ते जाए, आराधना में बढ़ते जाए और पिता परमेश्वर प्रार्थना में बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। सच में आपने हमें भाई के नहीं लेकिन सामर्थ्य की आत्मा दी है। हमें हमारी जिंदगी में जब मेरे पिता परमेश्वर हम असफल होते हैं, यानी अनसक्सेसफुलनेस हमारी जिंदगी के अंदर आता है, तब जिन भाई बहनों की जिंदगी में मेरे पिता परमेश्वर निराशा है, उस निराशा को मेरे पिता परमेश्वर निकालिए, ऐसे आपके चरणों के पास मैं विनती करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य और प्यारे नाम से हमें प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करता हूँ। आमेन आमेन।